गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपना कैमरा चार्ज करना भूल गई हूँ। हो सकता है कि बीच में ये साथ छोड़ दे तो व्लॉग छोटा रहेगा, या मैं मोबाइल से बनाने की कोशिश करूँगी। पर अभी मैं निकली हूँ, शाम हो रही है, मैं निकली हूँ ये करने, लॉन्ग आइलैंड सिटी जा रही हूँ मैं। हम लोगों ने लॉन्ग आइलैंड सिटी में घर शॉर्टलिस्ट किया है, देखते अगर हुआ तो वो फाइनल कर देंगे, क्योंकि वो मैनहट्टन से पास में भी है, 10-15 मिनट का जो रास्ता है जर्सी के मुकाबले, मैनहट्टन से वो काफ़ी पास में और थोड़ा सा हैपनिंग सा भी है, तो वहाँ जा रही हूँ, वो देखूँगी। फिर उसके बाद अक्षय से मिलना है, जो कि ऐसे ही जनरल कैचअप भी है और थोड़ी सी वर्क मीटिंग भी है, उनके साथ कुछ काम करने की पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करनी है हमको। तो ये बहुत टाइम से टल रहा था, अक्षय इंडिया में रहता है तो अभी वो न्यूयॉर्क आया हुआ है, तो अब हम सामने आमने मिलके करेंगे। फिर उसके बाद मैं, भूगी, परम और राहुल, जो कि भूगी का हस्बैंड है, हस्बैंड बोलना कितना अजीब लगता है, तो उसके साथ हम लोग, हम चारों जा रहे हैं डिनर एक गज़ब करके रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क में। शाम को वहाँ 7 बजे डिनर पर जाना है, परसों जाना है। प्रखर तुमको पता ही होगा, यूट्यूबर ही है प्रखर गुप्ता, उसका उसकी चैनल प्रखर के प्रवचन भी है, बहुत सारा कुछ करता रहता है वो। उसके यहाँ पार्टी है परसों, तो उसने मुझे और मेरे दोनों दोस्त सिद्धांत और भूगी को भी इन्वाइट किया है। भूगी से तो अभी मैंने पूछा नहीं, आज शाम को पूछूंगी, बट सिद्धांत जा रहा है, मैं सिद्धांत जा रहे हैं प्रखर की पार्टी में, किसी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो उसकी पार्टी है। देख रहे हो आज भी हवा, देख रहे हो चलते नहीं बन रहा, ऐसी हवा है, अरे बाप रे। तो अच्छा है, अब मैंने जो भैया के दोस्त का सबलेट था उनको तो मैंने मना बोल दिया, क्योंकि मुझे घर तो लेना ही पड़ेगा भाई। मुझे लग रहा है मेरी जो कमर और पीठ का दर्द है ये और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं हर एक महीने में किसी नए गद्दे पे सोती हूँ, मेरे को ऑर्थोपेडिक गद्दा लेना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मेरा सेटअप भी नहीं हो पाया है, शुरू करने के लिए सेटअप भी शुरू करनी है। बाकी अभी तो जा रहे हैं घर देखने, अगर अच्छा लगेगा तो ले ही लेंगे, हो गया बहुत बहुत समय ख़राब हो गया। आ गई मैं ट्रेन में, तो अगर मैं घर देखने जाती हूँ और फिर मैं अक्षय से मिलने जाती हूँ, मैं अक्षय से मिलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 बजे डिनर है और वो रिजर्वेशन है, 3 लोगों को प्रॉमिस करके बैठी हूँ मैं, तो उसमें भी मैं वो होता ही नहीं कर सकती। तो अभी या तो मुझे घर को कल के लिए सुबह के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा आफ्टर द सुबह वाला जो ब्रंच है उसके, एंड फिर मेरे को अक्षय से और सीधे मुझे अक्षय से मिलने जाना होगा यहाँ। पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि घर भी इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं 5 स्टेशन से निकल रही हूँ, ये देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 5 स्टेशन, अब आगे क्रॉस करके पूरा आगे जाना है मेरे को फुलटन स्ट्रीट स्टेशन, वहाँ से ट्रेन मिलेगी मेरे को। फुलटन स्ट्रीट से ग्रैंड सेंट्रल का पकड़ना है ट्रेन, जो कि यहाँ के दूसरा बिगेस्ट स्टेशन है, मतलब एक और बिगेस्ट स्टेशन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज, ये भी काफ़ी बड़ा है, ग्रैंड सेंट्रल काफ़ी बड़ा है, टाइम स्क्वायर स्टेशन काफ़ी बड़ा है। तो ग्रैंड सेंट्रल तो वो है जहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी, कभी अलविदा ना कहना की और गॉसिप गर्ल की, और एक कोई सी एश्टन कुचर फिल्म की भी शूटिंग हुई है शायद वहाँ पे, ऐसे आखिरी का कुछ ऐसे लव स्टोरी टाइप, और वहाँ पे काफ़ी वो शूट हुए हैं। पहाड़ का दिखता भी है ऐसे, ये मैंने आज पहली बार नोटिस किया है कि ऊपर एक्चुअली खिड़कियाँ ऐसे बाहर का दिखता है। इतनी वॉक करके आई हूँ मैं, देखो अभी फुलटन स्ट्रीट स्टेशन। यहाँ पे हम आए थे ना उस दिन, मैं और भूगी अंदर एप्पल स्टोर में टाइम पास करने, टाइम पास क्या मतलब, उसको तो सामान खरीदना बेचना था कुछ, मैं टाइम पास कर रही थी। हमने वो क्लीन करने वाले वो उठा लिए थे यहाँ पे, टॉय वो जो वेट वाइप्स थे, डिसइंफेक्टेंट वेट वाइप्स फॉर एप्पल, वो हमने उठा लिए थे। मैं निकल गई हूँ LIC के लिए, क्योंकि अक्षय को मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे, उसमें मेरी इतनी तक बात हो गई थी कि कोई वर्कशॉप के बता रहा है मेरे को मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि मैं 2 घंटे फिर यहाँ क्या करूँगी, मेरे को 7 बजे जाना है क्योंकि डिनर में, तो मैं LIC होके आती हूँ, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अगर हुआ उसके साथ सीन बना अक्षय के साथ, तो वापस आ जाऊँगी, 15 मिनट की तो ट्रेन है, एक ही स्टॉप है बस। ट्रेन में बैठने वाली ही थी और अक्षय का मैसेज आ गया कि नहीं मिल रहे वो जगह ढूंढ रहा था, तो भाई अच्छा हुआ वरना बैठ जाती, तो फिर मेरे को मैसेज मिलता जब मैं ट्रेन से उतरती, फिर मेरे को दोबारा आना पड़ता वहाँ पर, जबरन चक्कर कटता। तो चलो ठीक है, क्योंकि अक्षय से मिलना प्रायोरिटी है, घर तो मैं कल भी देखने जा सकती हूँ, वो तो वहीं का वहीं रहेगा, अक्षय इंडिया चले जाएगा वापस। क्या मस्त माहौल है यहाँ पे, आज थोड़ा टेम्परेचर ठीक है, इतनी ठंड नहीं है, मतलब 4-5 लेयर पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ठंड नहीं है। मैंने भी बस एक हल्का सा हुडी पहना है और जो अपना रोज़ वाला जैकेट है वो। बाकी लोग क्या घूम रहे हैं, मज़ेदार जादू वादू दिखा रहे हैं, मैंने क्या क्या कर रहे हैं।
यहाँ पे ऐसे कोविड के टेंट्स रहते हैं हर जगह टेस्टिंग के, तो यहाँ पे आप अपनी आरटीपीसीआर करा सकते हो। कोई केरा एक वो तो सामने है, फिर उसके बाद एक और है, लाइन से टेस्टिंग सेंटर्स है। आ गई हूँ मैं हार्ड रॉक कैफे टाइम्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो कल वो लोग वो कर रहे थे ना शो, वो आज भी कर रहे हैं हार्ड रॉक कैफे और टाइम्स स्क्वायर पे, और वहाँ पे आज भी शो चल रहा है जो कल चल रहा था। ओ, कैफे का रास्ता किधर से है? तो मैं अक्षय से मिल ली हूँ, बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही है इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग समवन आल्सो, मतलब अच्छा रहा, मज़ा आया, बातें करी, कुछ नया समझने को मिला, सीखने को मिला। अब मैं फटाफट भग रही हूँ अपने दोस्तों के साथ डिनर पे, क्योंकि डिनर पे एक्चुअली अब थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। क्या टाइम हो रहा है? इट्स सेवन यही हो गए हैं, मेरे को अभी 20 मिनट की ट्रेन लेनी है, तो मैं 25 मिनट लेट हूँ। 7 बजे का हमारा वो था रिजर्वेशन, पर ठीक है, फटाफट भग रही हूँ। हम लोग मस्त देसी खाना खा के निकले, आप भग रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे अपन? अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हेडलेस विडो। क्या? हेडलेस विडो। हेडलेस विडो, 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 हेडलेस विडो। हमारे दोस्त रोड क्रॉस करके ठंड हो गई यार एकदम से, अच्छा हो ना अपन लेयर करके निकले अपन। हम ये देखना पंजाबी यदि बैटरी चार्ज ही रहती है। चलो लेट्स गो, कहाँ चल रहे हैं? गाइस लेट्स गो, फॉलो मी गाइस, गाइस मेसोस आ जाओ, फॉलो मी। तो अंदर चलना, अच्छा लग रहा है ना? चल 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 चलो चलो। तो मैं आ गई हूँ घर, और मेरा फ़ोन कैमरा डिस्चार्ज नहीं हुआ, पूरा व्लॉग शूट कर लिया, तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छी बैटरी लाइफ है कैमरे की। पर अभी मैं जब ऊपर आ रही थी ना बिल्डिंग में, तो एक बहुत ही ड्रंक आदमी घुस गया लिफ्ट में, और वो भी अपने घर जा रहा था, मतलब वो बिल्डिंग में ही रहता है, और वो कुछ कुछ बड़बड़ करता रहा कि ओ माय गॉड शी फक्ड अप सो बैड, ये वो, आई एम जस्ट सो अपसेट, और ऐसे अपने आप में ही बड़बड़ कर रहा था। मैं इतना डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या करेगा, ये लिफ्ट में घुस गया है और इतनी सारी फ्लोर्स ऊपर जानी है। पर लकीली उसने कुछ किया नहीं, फिर वो चला गया। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, मुझे बस यही लग रहा था कि वापस ना आ जाए, बस बाहर जाए और दरवाज़ा फटाफट बंद हो और मैं घर पहुँचूँ। तो मैं आ गई हूँ, पर बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का, काफ़ी मज़ा आया। मैं नहीं जा पाई घर देखने अक्षय से मिलने पर, तो घर देखने मैं कल चली जाऊँगी, कोई लोड नहीं है। पर तुम लोग बताओ कि ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब तुमको बताइए, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।